हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेनाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आप सब अपना ध्यान रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। फास्ट फूड में पिज़्ज़ा का एक अलग ही मकाम है। ऐसा कोई नहीं जो इसे पसंद ना करता हो। दिन ब दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ और इसमें लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल पिज़्ज़ा जैसा ही आपको टेस्ट देगा। तो आइए बनाते हैं पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा बाइट्स। पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए हम यहाँ लेंगे 4 स्लाइस ब्रेड के। ब्रेड के स्लाइस अगर बड़े हों तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ वाइट ब्रेड ले रही हूँ, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इस पर मेयोनीज की लेयर लगा रही हूँ और साथ ही साथ ग्रीन चटनी की लेयर भी लगा देंगे। ग्रीन चटनी की बजाय शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब पनीर के क्यूब्स इस तरह कट किए हुए लगा दें। एक के पीछे एक क्यूब्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे पनीर ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। अब शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम को भी क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है और इसी तरह लगा देंगे। पनीर की एक तरफ शिमला मिर्च के क्यूब्स लगा दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह हम प्याज के क्यूब्स भी दूसरी तरफ लगा देंगे। पिज़्ज़ा एक वाहिद ऐसी डिश है जिसकी टॉपिंग के लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता। अपनी मर्जी है, जो भी वेजेस आपके घर में पसंद करते हो या जो भी वेजेस आपके घर में मौजूद हो वो डाल दें। ऑप्शन बहुत होते हैं, जितना चाहे लोड करो, ओवरलोड करो, अच्छा ही लगता है। अब सभी स्लाइसेस को एक के बाद एक चीज़ से हम कवर कर लेंगे। चीज़ में नो कंजूसी, जितना चीज़ डालोगे उतना ही मज़े का बनेगा। अब पिज़्ज़ा मिक्स मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। और चिली फ्लेक्स भी इस पर स्प्रिंकल कर दे। दो स्लाइस हम पैन में सेकेंगे और दो स्लाइस हम ओवन में सेकेंगे। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है। पैन हल्का गर्म होते ही 1 से 2 टीस्पून बटर डालें और इसमें हम दो स्लाइस रख देंगे। फ्लेम को स्लो पर ही रखना है। लिड से ढककर सेकें ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। ओवन में 10 से 12 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे सेक लेंगे। ओवन के कंपेयर में पैन के पिज़्ज़ा स्लाइस ने बहुत ही कम वक्त लिया है। मैंने स्लाइस को पनीर के क्यूब्स के हिसाब से स्क्वायर में कट कर लिया। अब इस पर ओरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर लेंगे। जब भी मन करे कि पिज़्ज़ा खाना है तो एनी टाइम ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे घर में मौजूद रहती ही है। हम ये बना सकते हैं क्विक एंड इजी। अब इसे हम सॉस और मेयोनीज से थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे। ये रेसिपी आपके घर में वैसे ही हिट होने वाली है, झटपट बन जाती है। बनाए, खाए और एंजॉय करें। कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने अजीज़ अकारीब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।